Bismillah ar-Rahman ar-Rahim and welcome back class. In our previous lectures, we started combinational circuits. और combinational circuits में हमने ये चीज़ पढ़ी थी, basic combinational circuits होते क्या हैं, चार basic combinational circuits जो logic होती है वो हमने पढ़ा था, how can we implement them. And then we discussed the universal property of NAND and NOR gates. NAND और NOR gates को universal gates क्यों कहा जाता है. In today's lecture, we will cover the remaining two topics, that is combinational logic using NAND NOR gates and the logic circuit operation with pulse waveform inputs. Before starting today's lecture properly, we are just have a quick recap on the previous topics. Combinational logic circuits. Combinational logic circuits के लिए हमने ये बात पढ़ी थी कि combinational logic circuits वो होते हैं जो बेसिक एंड और लॉजिक पे इंप्लीमेंट हुए हुए नंबर वन नंबर टू विथ नो स्टोरेज इन्वॉल्व. इनके पास कोई स्टोरेज कैपेबिलिटी नहीं होती, इसका मतलब ये है कि इनका आउटपुट उस वक्त तक रिटेन रह सकता है, उस वक्त तक स्टे कर सकता है जब तक इनपुट कॉम्बिनेशन हमने दिया हुआ है. व्हेन वी चेंज द इनपुट कॉम्बिनेशन द आउटपुट विल चेंज इमीडिएटली. प्लस सेकेंड चीज़ ये है इसमें कि चूंकि इनपुट कॉम्बिनेशन पर डिपेंड कर रहा है तो थोड़ी सी लिमिटेशन हो जाएगी कि पर्टिकुलर कॉम्बिनेशन के लिए वो पर्टिकुलर सर्किट काम करेगा. और आपको कॉम्बिनेशन डिफरेंट कॉम्बिनेशंस के लिए वंस चाहिए फॉर एग्जांपल, तो आपको उसके लिए नया सर्किट बनाना पड़ेगा जो फिर उस लॉजिक के लिए काम करे. तो कॉम्बिनेशनल लॉजिक आपके पास एडवांटेज ये है कि सॉप की इम्प्लीमेंटेशन है, ये बेसिक सम ऑफ प्रोडक्ट और प्रोडक्ट ऑफ सम जो दो हमने तरीके पढ़े थे इम्प्लीमेंटे लॉजिक्स के, सॉप एंड पॉस, एस ओ पी एंड पी ओ एस, उसकी इम्प्लीमेंटेशन हमारे पास कॉम्बिनेशनल लॉजिक से हो जाती है, जिसमें हमने चार गेट्स पर चार लॉजिक्स पढ़ी थी. एक एंड ऑर लॉजिक था, यानी पूरी इम्प्लीमेंटेशन चूंकि सॉप है तो हमने सॉप किया सम ऑफ प्रोडक्ट, एक सम हो गया जैसे और, एंड और प्रोडक्ट हो गया जैसे एंड. तो एंड और लॉजिक के ऊपर आपके पास पूरी लॉजिक जो वो डिफाइन थी, सर्किट सैम्पल्स बना लिए हमने और जो भी हमें आउटपुट चाहिए वो हम उससे अचीव कर सकते हैं. एक लॉजिक एंड और लॉजिक थी, एक थी एंड और इन्वर्ट लॉजिक, दैट इज द कॉम्प्लीमेंट ऑफ एस ओ पी लॉजिक, और वी कैन से पी ओ एस लॉजिक. ये हमने पढ़ा था. फिर हमने एक्सक्लूसिव और लॉजिक पढ़ा था. एक्सक्लूसिव और लॉजिक जिसको हम जोर से रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं सैम्पल से, वो भी बेसिकली एंड और इन्वर्ट का जो है वो कॉम्बिनेशन है. फोर्थ हमने इसमें पढ़ा था एक्सक्लूसिव नॉर लॉजिक, जिसमें हमारे पास जो है वो अगेन एंड और इन्वर्ट का है, लेकिन और एक्सऑर लॉजिक या एक्सक्लूसिव और लॉजिक के आगे जब हम इन्वर्टर लगा देते हैं तो एक्स नॉर लॉजिक बन जाती है, जिसको हमने डिटेल में जो है वो पढ़ा था. कुछ उसकी इम्प्लीमेंटेशंस थी क्लास जो हमने पढ़ा था, जिसमें हमारे पास बुलियन एक्सप्रेशन से लॉजिक सर्किट में आना, ट्रुथ टेबल गिवन है उससे लॉजिक सर्किट इंप्लीमेंट करना उससे रिलेटेड, और मिनिमाइज लॉजिक सर्किट यानी कोई भी सर्किट गिवन है उसका मिनिमाइज सर्किट बना देना. डिटेल सर्किट था, हमने के मैप के थ्रू उसका मिनिमाइज सर्किट बना दिया, यानी ए बी सी डी ये चार वेरिएबल्स इस तरह इम्प्लीमेंट करके एक्स दे रहे हैं, जब हमने इसको मिनिमाइज किया तो यही चार वेरिएबल्स सिंपल सर्किट के थ्रू भी वही आउटपुट दे रहे हैं जो हमें प्रीवियस मिल रहा था. तो हमने तीन तरीके से इसको इम्प्लीमेंट करना सीखा कि व्हेन यू आर गिवन द एक्सप्रेशन एंड यू आर फॉर्मिंग इट्स लॉजिक, और व्हेन यू आर गिवन ट्रुथ टेबल एंड यू आर मेकिंग इट्स लॉजिक, एंड नंबर थर्ड इज यू आर गिवन अ कंप्लीट लॉजिक सर्किट एंड यू आर रिड्यूसिंग दैट लॉजिक सर्किट. तो तीन तरीके से हमने इसको इम्प्लीमेंट करना सीखा था. फिर हमने क्लास यूनिवर्सल प्रॉपर्टी देखी थी नैंड नॉर गेट की, कि इनको क्यों नहीं यूनिवर्सल कहा जाता है, क्योंकि इसमें ये कैपेबिलिटी होती है नैंड गेट में कि वो चारों गेट्स का आउटपुट्स आपको दे सकता है. उन चारों गेट्स में कौन कौन से मौजूद हैं, इन्वर्टर एंड और नॉर, तो इन चारों और प्लस नैंड गेट तो ये खुद है. तो पांच तरीके के आउटपुट्स आप इससे निकाल सकते हैं, जिसमें आपके पास बेसिक्स भी कवर होगा और ड्राइव लॉजिक भी कवर होगा. एक्सओआर और एक्सनॉर भी हम इससे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, और एक्सओआर और एक्सनॉर की जो लॉजिक थी वो हमारे पास जो इसका अल्टरनेट लॉजिक है ए बी बार प्लस ए बार बी एक्सओआर के लिए, और एक्सनॉर के लिए ए बार बी बार प्लस ए बी, तो वही हम इन नैंड गेट्स के थ्रू भी इम्प्लीमेंट कर सकते हैं. तो यानी यूनिवर्सल गेट हम इनको इसलिए कहते हैं क्योंकि ये अकेला गेट अपने ही कॉम्बिनेशंस बना बना के आपको किसी भी गेट का आउटपुट दे सकते हैं. यही खसूसियत नॉर गेट के पास भी है. तो इसको हमने बहुत डिटेल में डिस्कस किया था कि किस तरीके से ये एज अ ऑड गेट काम कर रहा है, किस तरीके से ये एज अ एंड गेट काम कर रहा है, किस तरीके से ये एज अ नैंड या इन्वर्टर या एक्स वाई जेड कोई भी सर काम कर रहा है. बेसिक जो गेट्स है आपके पास एंड
और नॉट, उनको बेसिक इसलिए कहा जाता है क्योंकि वो अपने पर्टिकुलर काम ही कर सकते हैं। अगर मैं एंड से और का काम लेना चाहूँ तो मैं नहीं कर सकती ये काम। तो हमारे पास नॉर गेट या नैंड गेट, यूनिवर्सल गेट्स होते हैं कि ये उन्हीं गेट्स का आउटपुट भी आपको प्रोवाइड कर रहे होते हैं। इनको हम ड्राइव गेट्स भी कहते हैं, यूनिवर्सल गेट्स भी कहते हैं, जिसके बाद आपके पास कुछ मैंने टास्क दिया था करने के लिए जो आपको परफॉर्म करना था। नाउ मूविंग टुवर्ड्स आवर टुडेज लेक्चर, दैट इज कॉम्बिनेशनल लॉजिक यूजिंग नैंड एंड नॉर गेट्स। नाउ व्हाट वी आर गोइंग टू कवर, वी आर गोइंग टू कवर द लॉजिक डायग्राम्स जो इनके डुअल सिंबल्स एंड की एग्जांपल्स। तो स्टार्ट करें क्लास स्लाइड नंबर 22, कॉम्बिनेशनल लॉजिक यूजिंग नैंड गेट। नाउ वी आर इम्प्लीमेंटिंग एंड ऑर लॉजिक। कॉम्बिनेशनल लॉजिक जब हम बात करेंगे तो एंड ऑर लॉजिक लॉजिक या एंड ऑर इनवर्ट लॉजिक की हम फौरन बात कर रहे होते हैं। तो हम नैंड गेट के थ्रू कॉम्बिनेशनल लॉजिक को इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। नैंड लॉजिक एज यू हैव लर्न अ नैंड गेट कैन फंक्शन एज ईदर अ नैंड और अ नेगेटिव और, बिकॉज बाय डी मॉर्गन्स थ्योरम ए बी बार इक्वल्स टू ए बार प्लस बी बार। हमारे पास क्लास नैंड लॉजिक जो है हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि नैंड लॉजिक जो है वो नेगेटिव और के तौर पे भी काम कर सकते हैं। नेगेटिव और यानी पहले इन्वर्ट हो रहे हैं इनपुट और फिर और हो रहे हैं, और नैंड गेट ये कहता है कि दोनों इनपुट्स पहले एंड होंगे फिर इन्वर्ट होंगे। तो आपके पास नैंड गेट इज एन इक्विवेलेंट टू नेगेटिव और। क्यों, कैसे, ये हम डी मॉर्गन्स थ्योरम से प्रूव कर सकते हैं कि ए बी के पास जब होल बार है तो जब आप इस पर डी मॉर्गन अप्लाई करेंगे तो ये जो बार्स होते हैं ये स्प्लिट हो जाते हैं और इसके दरमियान जो एंड का साइन है वो और में तब्दील हो जाता है। तो यानी कि वही काम जो नैंड गेट है आप नेगेटिव और के थ्रू भी से ले सकते हैं। तो नैंड गेट एंड और लॉजिक नहीं है। तो हमने क्या किया कि एंड और लॉजिक को इम्प्लीमेंट, सॉरी नैंड गेट को हमने इम्प्लीमेंट कर दिया एंड और लॉजिक में। अब यहाँ पे आप देखिए आपको इन्वर्ट और नजर आ रहे हैं। एज एन एग्जांपल कंसीडर द फॉलोइंग इम्प्लीमेंटेशन ऑफ नैंड लॉजिक विद इट्स इक्विवेलेंट एंड और लॉजिक। अब हम क्लास यहाँ पे जो है एंड और लॉजिक को इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। अब मुझे काम क्या करना है, इन्वर्ट ए इन्वर्ट बी यानी कि नेगेटिव और या एंड ऑर लॉजिक इम्प्लीमेंटेशन। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पे एक एग्जाम्पल है जिसमें ए बी नैंड हो रहा है, सी डी नैंड हो रहा है और इन दोनों का जो आउटपुट है वो दोबारा नैंड हो रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ, मेरी जो इस वाले लेफ्ट हैंड साइड की जो इक्वेशन बनी वो हो गई ए बी बार डॉट सी डी बार होल बार। अगर मैं यहाँ पे इस चीज़ को लिखने की कोशिश करूं तो मेरे पास यहाँ पे रिटन में नहीं है, लेट मी राइट इट हियर, टेक अ पॉइंटर। तो मेरे पास ये वाला जो सर्किट है इसकी लॉजिक क्या बन गई, ए बी आपस में नैंड हो रहे हैं, इसको मैं एक इनपुट हो गया इसको ब्रैकेट से सेपरेट कर रही हूँ, देन वी हैव अ डॉट, उसके बाद मेरे पास सी और डी आपस में एंड हो रहे हैं, सी डी ये भी एंड हो रहे हैं। तो एक नैंड से ए बी आउटपुट दे रहे हैं, दूसरे नैंड से जिसको हम जी थ्री गेट कह रहे हैं उससे सी डी दे रहे हैं। इन दोनों का जो आउटपुट है वो फर्दर आगे जाके नैंड हो रहे हैं, यानी इन दोनों का जो आउटपुट है वो मजीद नैंड हो रहे हैं। तो मेरे पास ये हो गया। अब जब मैं इसमें डी मॉर्गन्स लगाने की कोशिश करूंगी बाय डी मॉर्गन्स थ्योरम तो मेरे पास ये इक्वेशन बन जाएगी ए बी, ये जो होल बार है क्लास ये दोनों एलिमेंट्स पे आ जाएगा, इस पे भी और सी डी पे भी आ जाएगा। तो सी डी का एक अपना बार हो जाएगा जो इक्वेशन के हिसाब से है, और फिर डी मॉर्गन सप्लाई करने के बाद ये वाला बार दोबारा इसके ऊपर आ जाएगा। तो यानी डी मॉर्गन क्या कहता है कि होल बार को जो भी इसके इनपुट्स हैं, इसका एक इनपुट ए बी बार है, दूसरा इनपुट सी डी बार है, तो ए बी बार के ऊपर भी बार आ जाएगा और सी डी बार के ऊपर भी बार आ जाएगा, और जो ये एंड की साइन है वो और की साइन में बदल जाएगी। फिर हमें क्लास ये बात पता है कि जब हमारे पास इन्वर्टर के ऊपर इन्वर्टर आता है तो बेसिकली डबल इन्वर्जन जो लॉ है वो इसमें अप्लाई हो जाता है। तो ये दोनों इन्वर्टर्स को मैंने कैंसिल कर दिया, इक्वेशन बन जाएगी मेरे पास
डबल इन्वर्जन की वजह से ये रूल्स लिखते जाएगा, ठीक है। मेरे पास थोड़ा सा यहाँ पर टाइपिंग में मसला आ रहा है, मतलब राइट में डिले आ रहा है, इससे मैं बोल ज़्यादा नहीं हूँ और लिख कम रही हूँ। तो ये रूल इसको फॉलो करना है, रूल्स मैं साथ साथ बताती जा रही हूँ, उसको याद रखिएगा कि कौन सी लाइन किस रूल के हिसाब से मैंने एवेल्यूएट की है। अब आप देखिए क्लास, जब डबल इन्वर्जन लॉ अप्लाई हुआ तो नॉट का नॉट बेसिकली पॉजिटिव हो जाएगी, लॉजिक इन्वर्ट का फिर दोबारा इन्वर्ट पॉजिटिव हो जाएगी, तो इक्वेशन मेरे पास बन गई ए बी प्लस सी डी, और ये आपके पास यहाँ पे इक्वेशन आ गई। तो बेसिकली हमारे पास कॉम्बिनेशनल लॉजिक या नैंड गेट अप्लाई करते हुए हमने इन्वर्ट और लॉजिक जो है वो फॉर्म कर लिया। गेट थ्री एक्सेस, तो इसका मतलब क्या हुआ क्लास के, इसमें से जी वन जो है एज एन ऑड गेट काम कर रहा है, और जी टू और जी थ्री जो गेट्स हैं ये एज एंड गेट काम कर रहे हैं, ठीक है। तो हमारे पास जी थ्री एक्ट एज एंड, जी टू एक्ट एज एंड, और जी वन एक्ट एज ऑड। तो हमारे पास ये जो इम्प्लीमेंटेशन है वो एंड ऑर लॉजिक के थ्रू हमने नैंड लॉजिक यूनिवर्सल गेट को हमने उस लॉजिक में भी इम्प्लीमेंट कर लिया। तो क्लास अगेन अगर मैं इसको, ये तो मैंने इक्वेशन से जो है वो प्रूफ करवा दिया, ठीक है, अब हम इसको डायग्राम से प्रूफ करते हैं। डायग्राम क्लास ये कहता है कि डायग्राम में भी आप देखें, एक इन्वर्टर, ये वाली जो लॉजिक है मेरे पास दिस वन, ये क्या है मेरे पास यहाँ पे, इसमें देखिए ये मेरे पास है इन्वर्ट, और हमने क्या किया है जी वन, थोड़ी देर पहले हमने पढ़ा कि जी वन या नैंड गेट इज बेसिकली रेसिप्रोकल ऑफ इन्वर्ट और, क्या बात की मैंने, मैंने कहा कि नैंड गेट इज बेसिकली रेसिप्रोकल या इक्विवेलेंट टू इन्वर्ट और, इन्वर्ट और का इक्विवेलेंट है। तो अगर मैं यहाँ से जीवन हटा दूं, नैंड गेट में यहाँ से हटा दूं, तो इसकी जगह जो है मैं इन्वर्ट और गेट लगा सकती हूँ। इन्वर्ट और का मतलब क्या है, यहाँ पे आ गए दो इन्वर्टर और जीवन की जगह या नैंड गेट की जगह मैंने और गेट को सिलेक्ट किया, ठीक है। तो यही लॉजिक क्लास यहाँ पे इम्प्लीमेंट हो गई है, हमने जीवन जो गेट है हमारे पास बेसिकली नैंड गेट है और इट इज इक्विवेलेंट टू नेगेटिव और, तो जब हमने नैंड गेट यहाँ से हटाया तो हमने नेगेटिव और गेट लगा दिया, ये बिल्कुल वही काम कर रहा है जो नैंड गेट काम कर रहा है। तो अब मैं अभी जो चीज़ मैंने इक्वेशंस के थ्रू प्रूफ की थी वो अब मैं लॉजिक डायग्राम के थ्रू आपको समझा रही हूँ। अब इसमें क्या हो गया क्लास, मेरे पास ए और बी नैंड गेट के साथ आ रहे हैं आउटपुट, सी और डी भी नैंड गेट का आउटपुट दे रहे हैं, और उसके बाद इन्वर्ट करने के बाद जीवन इसका और फॉर्म आउटपुट दे रहे हैं। तो अब क्लास इस डायग्राम में आप देखें, जब हमने इसको इन्वर्ट फॉर्म में तब्दील किया तो ये वाला बबल और ये वाला बबल, तो मेरे पास दो बबल बैक टू बैक आ गए, यहाँ पे लॉजिक इन्वर्ट हुई, यहाँ पे दोबारा इन्वर्ट हो गई। इसका मतलब क्या हुआ, मेरे पास जो इसका आउटपुट था, ठीक है, अगर मैं इसको इन्वर्ट ना करूँ तो वो एज इट इज यहाँ पहुँचेगा, ठीक है। तो मेरे पास क्या लॉजिक हो गई कि जी टू डबल इन्वर्जन हो गया, यहाँ पे फिगर में देखें एक इन्वर्ट हो रहा है फिर दोबारा इन्वर्ट हो रहा है, तो बेसिकली ये आपके पास इसके बराबर हो गया कि आपने वही लॉजिक एंड गेट की जो है वो और गेट में आ गई। इसी तरीके से ये वाला जो बबल है ये भी डबल इन्वर्ट हो गया, तो इसका मतलब है जी थ्री का जो आउटपुट इन्वर्ट होकर आ रहा था वहाँ के जाके जीवन में जाने से पहले दोबारा इन्वर्ट हुआ, तो बेसिकली ये दोनों इन्वर्टर जो है वो आपको लॉजिक पॉजिटिव दे रहे हैं, इन्वर्ट एंड देन अगेन इन्वर्ट। तो आपने इन्वर्ट बबल्स हटा दिए, दो बबल्स आपस में एक दूसरे को कैंसिल कर रहे हैं क्योंकि वो लॉजिक को बंद बना रहे हैं या पॉजिटिव बना रहे हैं। तो अल्टीमेटली आप देखें आपका जो इक्वेशन है ये वाली ए बी प्लस सी डी, ये डायग्राम में भी आपके पास ए बी प्लस सी डी के फॉर्म में आ चुकी है। तो अगर मुझे फिगर में ये काम करना हो तो मैं नैंड को रिप्लेस कर सकती हूँ इन्वर्ट और के थ्रू एंड वाइस वर्सा। ऐसी चीजें क्लास जिसमें जैसे ये आपके पास हुआ नैंड गेट और नेगेटिव और, जो काम नेगेटिव और कर रहा है वही काम बेसिकली नैंड का भी है, दोनों का आउटपुट सेम जनरेट हो रहा है, तो हम इन दोनों लॉजिक्स को नैंड लॉजिक और नेगेटिव और, इन दोनों लॉजिक्स को एक दूसरे का डुअल सैंपल कहते हैं।
डुअल सैंपल क्या होगा कि आप वही काम नैंड लॉजिक से करो या उसकी जगह आप इन्वर्टर का सैंपल यूज करो। अब फॉर एग्जांपल मेरे पास ये एक फिगर है, ठीक है, एक कोई भी मेरे पास लॉजिक है। मैं इसको पहले इक्वेशन वाइज समझाऊंगी, फिर हम इसको डायग्राम रेस्पेक्ट से देख लेंगे। क्या लॉजिक है कि ए बी नैंड हुआ, यहाँ पे आपके पास आउटपुट आ गया, मजीद नैंड गेट के साथ गया जिसमें सी भी मौजूद था, ठीक है। तो अब ए बी नैंड हो रहा है सी के साथ, ए बी नैंड हो रहा है सी के साथ, यहाँ पे जो वैल्यू आ रही होगी वो ए बी नैंड विद सी नैंड के साथ आ रही है। मजीद आगे गए तो ये वाले जो गेट है, जो भी मैं इसको G3 कह देती हूँ, G1, G2, G3, G3 जो गेट है वो ए बी सी वाली ये जो लॉजिक आ रही थी इसको नैंड कर रहा है डी के साथ। तो अब आप देखें उतने बार्स जो है वो नैंड के ऊपर जाते जा रहे हैं, ऐड होते जा रहे हैं, और ई एफ आपस में नैंड हो रहे हैं, ये दोनों फिर नैंड हो रहे हैं। तो आपकी इक्वेशन ये बन गई, ए बी नैंड विद सी नैंड विद डी नैंड होल ई एफ नैंड होल नैंड, ई एफ भी नैंड हो रहा है और फिर कंप्लीट नैंड भी हो रहा है। अब लॉजिक क्या कह रहे हैं, डी मॉर्गन्स क्या कह रहे हैं कि वन बाय वन हम एक एक नैंड को हटाते जा रहे हैं, उसकी जगह नेगेटिव और लगाते जा रहे हैं। रेड पेन तो यहाँ पे यूज हुआ है, तो लेट मी टेक अ ब्लू मार्कर हियर नाउ। तो इसका मतलब क्या हुआ, जब ये वाला नैंड गेट हटेगा तो ए बी सी डी के ऊपर बार आ जाएगा, ई और एफ के ऊपर नैंड है, ये ब्रैकेट बाय ब्रैकेट सॉल्व होगा या बार बाय बार सॉल्व होगा। तो ई एफ के बीच में जो यहाँ पे डॉट साइन था वो प्लस में कन्वर्ट हो गया, और फिर ई एफ के पास एक उसका अपना बार था, और फिर जब ये डी मॉर्गन्स के थ्रू जब ये ब्रेक होगा तो इसके पास डबल बार आ जाएगा। ई एफ के पास डबल बार है तो जब डबल बार हटेगा तो ई एफ एज इट इज रह जाएगा, प्लस एज इट इज रह जाएगा, और यहाँ पे भी ये जो दो बार्स है ये एक दूसरे को कैंसिल कर रहे हैं क्योंकि ए बी सी डी डबल नैंड हो रहा है, ठीक है, ए बी सी डी डबल इन्वर्ट हो रहा है। तो डबल इन्वर्ट होने की वजह से ये जो दो सबसे बड़े बार हैं ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। अब मेरे पास क्या रह गया, ए बी सी के ऊपर बार रह गया और डी के ऊपर कोई बार नहीं है। जब हम ये वाला बार हटाएंगे तो ये बार जो है वो ए बी डॉट सी के ऊपर है, तो ये जो डॉट सी है ये प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा, सी के ऊपर भी बार आ जाएगा और ए बी के ऊपर डबल बार हो जाएगा, एक बार इसका अपना और एक डी मॉर्गन्स की वजह से। ये जो डबल बार है जब ये हटेगा तो ये इन्वर्जन लॉ के हिसाब से ए बी हो जाएगा, प्लस सी के ऊपर एक ही बार है तो ये मिनिमम फॉर्म में, इस वक्त इससे मजीद सिंप्लीफाई हो नहीं सकता, डी प्लस ई एफ। तो आपकी जो लॉजिक हो गई वो इस इक्वेशंस के हिसाब से ए बी प्लस सी बार एंड डी और ई एफ, ठीक है। तो ये आपके पास एक कंप्लीट जो है वो लॉजिक बन गई है। अब हम क्लास इसको स्टेप बाय स्टेप लॉजिक गेट्स के थ्रू या डुअल सैंपल्स के थ्रू रिप्लेस कर रहे हैं, या डुअल सैंपल के थ्रू। डुअल सैंपल के थ्रू सबसे पहले तो क्लास आप ये देख लें कि जहाँ पे बबल्स हों सबसे पहले आप उसको प्रिफर किया करें, चूंकि इसके पास दो बबल्स जा रहे हैं, ठीक है, तो सबसे पहले मैं इसको सॉल्व करूंगी, इसको हटा के एक बबल यहाँ पे नैन गेट हटा रही हूँ मैं, तो जब नैन गेट हटेगा तो यहाँ पे इन्वर्ट्स आ जाएंगे और उसके बाद ये जो नैन गेट है ये आपके पास और गेट में कन्वर्ट हो जाएगा। अब आप देखिए ये बार ये बार ये बबल ये बबल, तो बबल टू बबल हमें कोशिश ये करनी होती है कि बबल टू बबल रहे या नॉन बबल टू नॉन बबल रहे, ठीक है। यहाँ पे कहीं लिखा हुआ भी है, यस, व्हेन ड्राइंग अ नैंड लॉजिक डायग्राम ऑलवेज यूज द गेट सिंबल इन सच अ वे दैट एवरी कनेक्शन बिटवीन अ गेट आउटपुट एंड अ गेट इनपुट, एवरी कनेक्शन बिटवीन अ गेट आउटपुट एंड अ गेट इनपुट इज ईधर बबल टू बबल और नॉन बबल टू नॉन बबल। यानी मेरी कोशिश ये होगी कि एक का आउटपुट दूसरे के इनपुट जब बने तो या तो बबल टू बबल कनेक्शन हो या तो नॉन बबल टू नॉन बबल कनेक्शन हो, यानी एक ही लाइन में पास जो है वो इसका स्टार्ट और एंड सेम हो। तो मेरे पास चूंकि यहाँ पे नॉन बबल टू नॉन बबल हो रहा था, बबल टू नॉन बबल हो रहा था, तो मैंने क्या किया कि ये वाला नैंड हटा के यहाँ पे इन्वर्टर लगा दिया। इन्वर्टर लगाने से अब ये बबल टू बबल हो गया, ये भी बबल टू बबल हो गया, ठीक है। अब आ जाए इस तरफ, ये सब नॉन बबल्स है,
ये एक बबल है, तो मैं कोशिश करूंगी कि इसका जो है ये वाला बबल हट जाए। इसका बबल मैं यहाँ पे इस वाले को इन्वर्ट करने की कोशिश करूंगी, ये जो लॉजिक हो जाएगी वो इन्वर्ट और बन जाएगी। सिर्फ एक टर्मिनल पे इन्वर्ट नहीं आएगा, दोनों पर आएगा। तो सी पे हम ऐड कर रहे हैं इन्वर्टर, थानी ऐड हो जाएगा। तो क्या मतलब हुआ कि ये वाला नॉन बबल को मैंने इस नॉन बबल से कनेक्ट कर दिया, और यहाँ पे चूंकि बबल था ऑलरेडी, इसको मैंने बबल दे दिया। तो जब मैंने इन्वर्ट और किया तो बबल टू बबल खुद ही हो गया और नॉन बबल टू नॉन बबल खुद ही हो गया। और ये वाला बबल एक मुझे ऐड करना पड़ेगा सी के साथ, ठीक है, क्योंकि इसमें यहाँ पे बबल नहीं था। टू इन्वर्ट और में दोनों इनपुट्स को इन्वर्ट करना होता है लाजमी, दोनों को हम लाजमी करेंगे। तो अब आप यहाँ पे देखिए, आपके पास ये लॉजिक हो गई। अब जब मैं इस पे काम करूंगी तो ये जाएगा ए बी बार, ठीक है, प्लस बार सी। ए बी बार यहाँ पे, यहाँ से जो आउटपुट आ रहा है मेरे पास, इसकी वजह से तो बबल ए बी बार यहाँ पर है। जब ये यहाँ पर आएगा तो ए बी बार बार इसका भी बार आ जाएगा, प्लस सी बार। तो ए बी बार और बार जब ये कैंसिल होगा तो ये ए बी बच जाएगा प्लस सी बार। ई एफ बार आ रहा है यहाँ से, यहाँ से डी के साथ नैंड आ रहा है, ये दोनों नैंड गेट था। तो ए बी सी बार और उसके बाद डी बार। तो मेरे पास ये इस गेट की जो इक्वेशन बनेगी वो बन जाएगी। इसके बाद जो मेरे पास आउटपुट आएगा वो नैंड आएगा, तो ए बी प्लस सी बार। ये तो इसका एक इनपुट हो गया, नैंड हो रहा है ये डी के साथ। इसको मैं दोबारा जो है वो ब्रैकेट में डालूं, एक इनपुट ब्रैकेट है और दूसरा इनपुट जो है वो डी है, और ये सब आपस में नैंड हो रहे हैं, ठीक है। तो अब जब मैं इसको डी मॉर्गन के थ्रू खोलने की कोशिश करूंगी तो मेरे पास अभी ये इक्वेशन बन गई, ए बी सी बार डी होल बार इक्वल्स टू ई एफ बार। अब इसके ऊपर इन्वर्ट आ जाएगा जब ये यहाँ तक, यहाँ से जो आउटपुट निकल रहा है वो ये निकल रहा है, जब ये यहाँ पर आएगा तो इसकी वजह से एक बार इस पे दोबारा आ जाएगा। और ई एफ भी यहाँ पे बार आ रहा हुआ था, तो जब ये आगे जाएगा तो बबल कैंसिल्स बार। कैसे कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि एक और बबल पुट करेगा, जब ये दो बबल्स हो जाएंगे तो ई और एफ के ऊपर डबल बार्स जो हैं वो ई एफ बन जाएगा। और ए बी सी बार डी होल बार के ऊपर जब दोबारा होल बार आएगा तो ये ए बी सी बार डी बन जाएगा। तो ये वाली जो लॉजिक है क्लास, लॉजिक डायग्राम के थ्रू हमने इसको क्लास प्रूफ कर दिया। वही लॉजिक जो ए बी सी, ए बी प्लस सी बार डी प्लस ई एफ के साथ आई थी डी मॉर्गन सप्लाई करके, रूल सप्लाई करके, वही जो है हमने जब सैम्पल डुअल सैम्पल यूज किया तो हम उसी लॉजिक पे वापस आ गए। तो अगर हमें नैंड गेट को इम्प्लीमेंट करना है, एंड और लॉजिक रिजल्ट आए, यानी नैंड गेट यूज करते हुए एंड और लॉजिक इम्प्लीमेंटेशन करनी है, तो व्हाट वी डू, वी बेसिकली यूज इट्स डुअल सैम्पल। डुअल सैम्पल का मतलब ये है कि नैंड जहाँ जहाँ पे एंड और से रिप्लेस हो सकता है हम करेंगे, और रिप्लेस जहाँ जहाँ हो सकता है का मतलब ये है कि हम बबल टू बबल एंड नॉन बबल टू नॉन बबल कनेक्शंस के रिस्पेक्ट से फैसला लेंगे। अब एक सवाल है, रीड ड्रॉ द लॉजिक डायग्राम एंड डेवलप द आउटपुट एक्सप्रेशन फॉर द सर्किट बिलो यूजिंग द अप्रोप्रिएट डुअल सैंपल। अप्रोप्रिएट यानी जहाँ जहाँ डुअल सैंपल्स की जरूरत है वहाँ यूज करते हुए हमें एंड और लॉजिक में इसको इम्प्लीमेंट करना है। तो अब क्लास देखिए, आपके पास पांच गेट्स हैं, G1, G2, G3, G4, G5। G3 के पास जो है नॉन इन्वर्टेड इनपुट आ रहा है, लेकिन G3 इन्वर्टेड दे रहा है, G2 भी इन्वर्टेड दे रहा है, सब नैंड लॉजिक में। तो अब आप देखिए, हम स्टार्ट कर रहे हैं G1 से, क्योंकि G1 के पास जो है मैं देख रही हूँ कि G2 और G4 से इन्वर्टेड लॉजिक आ रही है। तो मैं क्या करूँगी, इस वाले नैंड गेट को मैं इन्वर्ट और से रिप्लेस कर दूंगी ताकि बबल टू बबल कनेक्शंस आ जाए। अगर मैं यहाँ पे ये काम करूंगी तो इस काम के लिए मुझे यहाँ पे इन्वर्टर ऐड करना पड़ेगा, ठीक है। तो हम बैक से स्टार्ट करते हैं जहाँ पे हमें सबसे आसान हो कन्वर्ट करना है। इसको हमने कन्वर्ट किया इन्वर्ट और लॉजिक में। अब ये बबल टू बबल कनेक्शन आपस में कैंसिल कर लेंगे, G2 और G1, इसी तरीके से G4 एंड G1, ये भी बबल टू बबल कनेक्शन है।
तो बबल टू बबल कनेक्शन है, यहाँ तक हमारे पास सॉल्व हो गया। अब हम आगे आ जाए जी टू जी फोर जी वन, आपस में बबल टू बबल कनेक्शन हुए हुए। अब आ जाए यहाँ पे हमारे पास है बबल टू नॉन बबल, यहाँ पे भी हमारे पास है बबल टू नॉन बबल। तो मैं इनको नॉन बबल ही छोड़ दूंगी और ये वाले जो बबल्स हैं इसको यहाँ पे इंट्रोड्यूस करा देंगे, यानी ए बार बी बार प्लस हो रहे होंगे आपस में। तो बेसिकली हमने क्या लॉजिक किया, और यही काम क्लास हम यहाँ पे भी कर देंगे डी और ई के लिए। तो हमें डुअल सिंबल अप्रोप्रिएट यूज करना है, अप्रोप्रिएट यानी जहाँ हमें ज़रूरत हो वहाँ पे। और ज़रूरत कैसे पता चलेगी, हम ये चीज़ देखेंगे कि बबल टू बबल या नॉन बबल टू नॉन बबल हमारे पास कनेक्शन हैं। तो जब मैं इसके लॉजिक लिखूंगी तो मेरे पास आंसर आ जाएगा ए बार प्लस बी बार, नैंड हो रहा है ये जी सी के साथ, ई बार प्लस डी बार नैंड हो रहा है ये एफ के साथ, और ये दोनों फिर इन्वर्ट प्लस हो रहे हैं इसके साथ, यानी कि ये वाला जो स्टेप हो जाएगा, अगर मैं इसको यहाँ पे एक और इक्वेशन ऐड करूँ समझाने के लिए, तो मेरे पास है ये वाली इक्वेशन सेम लिख रही हूँ मैं, ए बार प्लस बी बार नैंड विथ सी, फिर ये पूरा नैंड हो रहा है किसके साथ, डी बार प्लस सी बार नैंड विथ एफ, डी बार प्लस ई बार ये डी है, ठीक है, नैंड विथ एफ, यानी कि एक इनपुट ये है दूसरा इनपुट ये है, और ये दोनों इनपुट्स जो है वो इन्वर्ट हो रहे हैं आपस में अपने ही आप से, और उसके बाद यहाँ पे और हो रहे हैं इन्वर्ट और। तो जब हम देख रहे हैं कि डबल इन्वर्जन का मतलब है कि ये वाली इक्वेशन आ गई, इसका मतलब क्या हुआ, मेरे पास ये वाली इक्वेशन आ गई प्लस लॉजिक डायग्राम का या डुअल सैंपल का और फिर ये इक्वेशन, क्योंकि ये दोनों भी आपस में डबल इन्वर्जन हो रहे हैं। तो बेसिकली हमने काम क्या किया कि जहाँ जहाँ हमें ज़रूरत है हमने डुअल सैंपल्स यूज़ करते हुए अपने लॉजिक को सिंप्लीफाई रखा। सिंप्लीफाई का मतलब ये आपके ओवरऑल लॉजिक में देखिए एंड और इन्वर्ट यही तीन सैंपल यूज़ हो रहे हैं, जबकि थोड़ी देर पहले आपके पास बहुत सारे नैंड गेट्स भी लॉजिक अपनी दे रहे थे। अब क्लास आपको काम ये करना है, नंबर 27 स्लाइड आपको खुद करनी है, इंप्लीमेंट ईच एक्सप्रेशन विद नैंड लॉजिक यूजिंग अप्रोप्रिएट सैंपल, डुअल सैंपल्स यूज करते हुए आपको ए बी सी प्लस डी ई एक्सप्रेशन और ए बी सी प्लस डी बार प्लस ई बार को इंप्लीमेंट करना है। यही काम क्लास नॉर लॉजिक के साथ है, अभी जो नैंड गेट के साथ हमने डिटेल में पढ़ा है। नॉर लॉजिक क्या कहता है, नॉर लॉजिक ये कहता है कि इट इज इक्विवेलेंट टू इन्वर्ट एंड, अ नॉर गेट कैन फंक्शन एज इधर अ नॉर और नेगेटिव एंड, इन्वर्ट एंड या नेगेटिव एंड के तौर पे भी ये काम कर सकते हैं, शोन बाय डी मॉर्गन्स। यानी जब ये होल बार हटेगा तो एक बार इसके ऊपर आ जाएगा, प्लस का साइन एंड में चला जाएगा और बी के ऊपर भी एक बार आ जाएगा, यानी होल बार जो है वो अपने अपने इनपुट्स के ऊपर ब्रेक हो जाएगा। वही क्लास जो डेंड के लिए था अब नॉर के लिए है। तो नॉर के लिए भी आपके पास यहाँ पे देखिए कि ए प्लस बी नॉर, ए प्लस बी के ऊपर नॉर आ रहा है और C प्लस डी के ऊपर नॉर आ रहा है, उसके बाद इन दोनों के ऊपर होल नॉर आ रहा है। यानी कि अगर मैं सिचुएशन को लिखने की कोशिश करूं तो लेट मी टेक अ रेड इंक, और इसकी जो इक्वेशन बनेगी हमारे पास क्या बनेगी, A प्लस बी नॉर, ये वाली लाइन एक इनपुट ये हो गया, दूसरा इनपुट क्या है इसके पास सी नॉट डी, सी नॉट डी, और ये दोनों आपस में
फिर से नॉर हो रहे हैं, ये दोनों आपस में होल नॉर हो रहे हैं, फिर से नॉर हो रहे हैं। तो जब मैं डिमॉर्गन्स लगाऊंगी तो ये वाला बार हट जाएगा, जब ये वाला बार हट जाएगा तो ए प्लस बी के ऊपर बार आ जाएगा और प्लस का साइन डॉट में आ जाएगा और सी प्लस डी के ऊपर भी बार आ जाएगा। तो एक बार ऑलरेडी, एक और बार आ जाएगा, तो डबल बार जब हटेंगे तो ये सी प्लस डी प्रोडक्ट हो जाएगा ए प्लस बी के साथ। तो जो नॉर लॉजिक की इक्वेशन थी जिसमें बहुत सारे नॉर गेट्स, आपको तीन नॉर गेट्स नजर आ रहे थे, ये आपके पास कन्वर्ट हो जाएंगे एंड ऑर लॉजिक में। ठीक है, इसी तरीके से क्लास जब हम इम्प्लीमेंट करना चाहेंगे तो हमारे पास पता है कि नॉर गेट का जो डुअल सैम्पल है वो इन्वर्ट एंड है। ठीक है, तो हम इन्वर्ट एंड यूज कर लें, ये आपके पास इक्वेशन के थ्रू सॉल्व हो गया। वरना दूसरा तरीका ये है कि हम G1 जो नॉर गेट है उसकी जगह हम इन्वर्ट एंड गेट यूज कर लें, तो ये बबल टू बबल कनेक्शन हो जाएगा, ये भी बबल टू बबल कनेक्शन हो जाएगा, तो ये दोनों बबल्स एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। तो आपका ये वाला जो नॉर गेट है, ये वाले गेट्स एज अ ऑर गेट काम करेंगे और ये वाला लॉजिक एज अ एंड गेट काम करना शुरू कर देगा। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ आपके पास कि ए और बी एंड सी और डी, तो ये जो G1, G2 एंड G3 हो जाएंगे एज एन ऑर गेट काम करना शुरू हो जाएंगे और G1 एज एन एंड गेट काम करने लग जाएगा, क्योंकि बबल्स आपस में एक दूसरे का फंक्शंस कैंसिल कर देंगे। तो हमारे पास डुअल सैंपल्स की मदद से और बबल टू बबल कनेक्शन लॉजिक की मदद से या नॉन बबल टू नॉन बबल लॉजिक कनेक्शन की मदद से हम अपने नॉर सैंपल को एंड्रॉइड में कन्वर्ट कर सकते हैं। अब यहाँ पे एक एग्जाम्पल क्विकली समझ लेते हैं। क्लास स्लाइड नंबर 29, मेरे पास एक इक्वेशन, एक डायग्राम है जिससे हमने इक्वेशन निकाली ए प्लस बी नॉर, ठीक है, या ए नॉर बी, फिर ये नॉर हो रहा है सी के साथ, ये होल नॉर हो रहा है डी के साथ, ई नॉर एफ हो रहे हैं आपस में, और ये दोनों जो है एक और नॉर का इनपुट बन रहा है। तो लास्ट में ये वाला जो नॉर है ये इन सबको, पिछले जो भी इक्वेशन आई हैं उन सबको होल नॉर कर रहा है। जब मैं इस नॉर गेट को हटाऊंगी अकॉर्डिंग टू डी मॉर्गन्स, जब इस नॉर गेट को हम हटाएंगे इस वाले को जो सबसे बड़ा नॉर गेट है, ठीक है, जब हम इस वाले नॉर गेट को हटाएंगे तो मेरे पास ये दो इनवर्ट्स में कन्वर्ट हो जाएगा, इसके दरमियान जो प्लस साइन है वो डॉट में आ जाएगा। ये दो इन्वर्टर्स एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, ये दो इन्वर्टर्स एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, तो ई प्लस एफ अपने मिनिमल फॉर्म में आ चुका है, इससे ज्यादा सिंपल नहीं हो सकता। इस तरफ आ जाते हैं हम, ए प्लस बी प्लस सी होल बार प्लस डी रह जाएगा, ठीक है, ए नॉर बी प्लस सी होल बार। अब ये वाला जो बार है, दिस बार, ये जो बार नॉर कर रहा है, ठीक है, जब ये बार हटेगा तो ये प्लस साइन जो ए नॉर बी और सी के दरमियान है तो ये एन में कन्वर्ट हो जाएगा, सी के ऊपर एक बार आ जाएगा और ए प्लस बी बार के ऊपर एक और बार आ जाएगा, तो ये डबल बार हो जाएगा, ये डबल बार कैंसिल होगा तो ए प्लस बी रह जाएगा, एंड हो जाएगा सी बार से प्लस डी, ठीक है, यानी ये पूरा आपके पास एंड हो रहा है, फिर और हो रहा है डी के साथ और ई और एफ जो है वो आपस में और होने के बाद इस पूरी इक्वेशन के साथ एंड हो रहा है। बहरहाल जो भी इक्वेशन आई है एंड और वॉट एवर, ओवरऑल कॉन्सेप्ट ये है कि जो भी नॉर गेट्स है उसको हम इम्प्लीमेंट, उसको हम यूज करते हुए या इसका डुअल सैंपल यूज करते हुए हम अपने लॉजिक को एंड और में भेज रहे हैं। इस पूरे टॉपिक का कंक्लूजन ये है कि नैंड या नॉर अपने डुअल सैंपल्स को यूज करते हुए आपको कॉम्बिनेशनल सर्किट प्रोवाइड कर सकते हैं। और कॉम्बिनेशनल लॉजिक का मतलब ये है आपके लॉजिक डायग्राम में और लॉजिक इक्वेशंस में, लॉजिक एक्सप्रेशन में सिर्फ एंड और इनवर्ट सैंपल्स रह जाए। अब यही काम क्लास डुअल सैंपल्स यूज करते हुए किया है। डुअल सैंपल के लिए मुझे पता है कि मैं नॉर को रिप्लेस कर सकती हूँ इनवर्ट एंड सैंपल के थ्रू। नॉर का जो डुअल सैंपल होता है वो इनवर्ट एंड होता है या नेगेटिव एंड भी हम इसको कहते हैं, ठीक है। तो अब मेरे पास, और मुझे ये भी पता है कि अप्रोप्रिएट मुझे यूज करने, यानी बबल टू बबल रखने या नॉन बबल टू नॉन बबल रखने हैं। इस वक्त फिगर में देखें बबल टू नॉन बबल कनेक्ट है, फिर बबल टू नॉन बबल, फिर ये दो बबल्स नॉन बबल्स के साथ कनेक्ट है, ठीक है, तो ये कन्वर्जन पॉसिबल नहीं है। तो कन्वर्ट करने के लिए मुझे बबल टू बबल कनेक्शन करना होगा, तो मैं यहाँ पे एक बबल लगा दूँ, एक बबल यहाँ पे लगा दूँ और ये जो नॉर गेट है इसको मैं एंड गेट से रिप्लेस कर दूं, ठीक है, इसको हम फिल कर देते हैं पूरा।
तो ये मेरे पास नैंड गेट हो गया। तो नैंड गेट से जब रिप्लेस किया तो बबल टू बबल कनेक्शन हो गया, बबल टू बबल कनेक्शन हो गया। ये एज एन एंड गेट काम कर रहा होगा, ये दोनों एज अ ऑड गेट काम करना शुरू हो जाएंगे, ठीक है, यानी आउटपुट देंगे। आगे बढ़ते हैं, बबल टू बबल हो गया, बबल टू बबल हो गया। अब मैं काम ये कर रही हूँ कि एक बबल ये है, यहाँ पे नॉन बबल है और यहाँ पे ऑलरेडी तीन नॉन बबल्स हैं, तो बजाय कि इन चारों को नॉन बबल करूँ, इन चारों को बबल करूँ मैं क्यों ना इस एक बबल को हटा के यहाँ पे लगा दूं, ठीक है। अगर मैं बबल टू बबल कनेक्शन करना चाहूंगी तो फिर जाहिर है ये लॉजिक और ये वाले अगर मैं गेट को डिस्टर्ब करूंगी तो ऑलरेडी यहाँ के बबल्स फिर गायब हो जाएंगे, ठीक है। तो फिर ये लॉजिक बन नहीं सकेगी। अगर मैं इसको करूंगी, फॉर एग्जाम्पल मैंने इसको बबल लगा दिया, यहाँ पे भी बबल लगा दिया, तो फिर जाहिर है ये इन्वर्ट बन जाएगा। जब ये इन्वर्ट एंड बन जाएगा तो ये बबल तो वैसे ही ऑपरेट नहीं करेगा, फिर आगे की लॉजिक खराब हो जाएगी। तो ये वाले स्टेज को हम नहीं छेड़ेंगे क्योंकि ये वाले स्टेज को हमने सेट कर दिया, बबल टू बबल कर दिया, ठीक है। इस इनपुट की वजह से ये आउटपुट सही आ रहा है, तो इन इनपुट्स को मैं नहीं छेड़ूंगी। इसके आउटपुट को मैं डिस्टर्ब कर सकती हूँ। ये जो इनपुट है मेरे पास बबल था, इसको भी बबल कर दिया और इसको भी मैंने बबल कर दिया, क्योंकि हमें पता है कि लॉजिक के हिसाब से दोनों इनपुट्स पे बबल्स आने चाहिए। और इसके बाद हमने यहाँ पे एंड गेट यूज कर लिया। तो एंड गेट का काम क्या है, इस नॉन बबल को नॉन बबल से कनेक्ट कर देगा, और ये जो बबल है ये बबल से कनेक्ट हो गया, और ये जो बबल है ये बेसिकली सी बार हो जाएगा, यानी इसका जो मेरे पास आउटपुट आएगा यहाँ पे वो सी बार आ जाएगा, जैसे आपको इस वाले फिगर में नजर आ रहे। तो हम बेसिकली देखेंगे कि तमाम हमारे पास इस फिगर में आप देखें कनेक्शन में कि बबल बबल के साथ कनेक्ट है, नॉन बबल नॉन बबल के साथ कनेक्ट है, और ओवरऑल जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपकी वही इक्वेशन आ जाएगी जो आपके पास नॉर गेट यूज़ करते हुए आई थी। डुअल सैम्बल यूज़ करते हुए भी आपके पास इक्वेशन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो आप इस तरीके से इसको एंड और लॉजिक को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। स्लाइड नंबर 30 क्लास आपको खुद करनी है, एक फिगर गिवन है, इसमें आपको इसके अप्रोप्रिएट डुअल सैम्बल जो है वो यूज करते हुए इस डायग्राम को रीड्रॉ करना है, ऐसे कि आउटपुट एक्सप्रेशन पे कोई फर्क ना पड़े। एक्स की जो इक्वेशन इस वाले के लिए बनी है वही एक्स की इक्वेशन रीड्रॉ करने के बाद भी वही आउटपुट हो दे। यहाँ पे क्लास हम लेक्चर का ये पार्ट कंप्लीट करते हैं जिसमें हमने बेसिकली कवर किया है कॉम्बिनेशनल लॉजिक यूजिंग नैंड एंड नॉर गेट। नेक्स्ट लेक्चर में हम बाकी जो वेव फॉर्म इम्पल्स वाला है उसको कवर करेंगे। ये वीडियो देखने के बाद क्लास कॉम्बिनेशनल सर्किट अभी कंटिन्यू है। ये वीडियो देखने के बाद अपना नाम और अपने एनरोलमेंट नंबर आपने कमेंट कर देना है। थैंक यू सो मच क्लास।